शेर पाले हो तो कुछ तो गाड़ी का लेता है, हम ट्रांसपोर्टर हैं। ये खर्चा शेर का नहीं है, अगर ये खर्चा शेर का होता हम भुगत लेते, लेकिन दिल्ली वालों ने तो कुत्ता पाल रखा उसका ये खर्चा। टूल टैक्स बढ़ा दिया 10-15%, हर महीने टायरों के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, और टूलों पे मनमानी हो रही है, जो भी है कोई ट्रांसपोर्टर बिल्कुल। कौन जिम्मेदार है, कौन जिम्मेवार है? सेंट्रल गवर्नमेंट, मीडिया नहीं है, कोई चैनल वाला है? हाँ, यहाँ इतने आंदोलन हो रहे हैं, कोई राष्ट्रीय चैनल है यहाँ? इतने आंदोलन हो रहे, बताओ सब गायब है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं इस समय जंतर मंतर पर हूँ। वैसे तो अब जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना अपराध है, पूरा बैरिकेड कर दिया गया है, 24 घंटे पुलिस होती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो आज धरना प्रदर्शन करने आए हैं, मैं उनसे बात। क्या नाम है आपका? मेरा विजय कौशिक। क्या दिक्कत है कौशिक साहब? दिक्कत ये है सर, जैसे हमारी गाड़ियाँ चलती हैं तो एक तो ई चलान भी कैमरे से हो जाते हैं, जैसे नो एंट्री का चलान है 20,000 रुपए का, तो ओनर का और 20,000 का ड्राइवर का भी। गलती गाड़ी करती है तो एक तो गाड़ी पर ड्राइवर का ओनर का ही होता है ना, वो दो डबल चलान होते हैं, 40,000 रुपए का हो गया। जैसे गाड़ियाँ चलती हैं, गाड़ी कहीं है, टूल टैक्स कहीं का कट गया, पता ही नहीं लगता कब कितना पैसा कट गया। गाड़ी खड़ी होती, हाँ गाड़ी खड़ी होती है, जब भी हमारे पास मैसेज आता है गाड़ी का चला। नाम बता दीजिए। विजय कौशिक। पक्का ना? मुसलमान तो नहीं हो? विजय कौशिक हूँ भाई, ऐसे नहीं, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ भाई। ज्यादातर मुसलमान ही विरोध में बोल रहे हैं। ऐसे आप गलत वर्ड यूज नहीं करोगे? बोलो। नहीं, तो फिर बताइए। हाँ ठीक है, तो ऐसे जो है ना, ऐसे ऐसे हमारे साथ कांड हो रहे हैं। CNG 72 रुपए होगी, डीजल शायद 95 रुपए है, पेट्रोल 100 से ऊपर हो गया, कोई हमारी तो सुनवाई। किसकी गलती है ये? किसकी गलती है ये? तो हम तो सरकार को कहेंगे और किसको कहेंगे, हम तो नहीं बढ़ा रहे हैं ये चीजें। अरे तो सरकार की गलती है तो किसकी गलती है? मनमोहन सिंह के जमाने में सब, मनमोहन सिंह के जमाने में इतना नहीं था, तो मोदी जी की गलती है ये? नहीं, गलती तो कंट्रोल तो कौन करेगा? न हमारे भाड़े बढ़ रहे, न हमारे भाड़े बढ़ रहे, न कोई हमारी सुनवाई है, कहीं भी चले जाओ। एक गाड़ी पास कर, गाड़ी पास करवाते हैं MGPS के लिए 15-18 हजार रुपए हमारे से वसूले जाते हैं। किसकी गलती लग रही है आपको? की? कौन सी गवर्नमेंट? केंद्र सरकार, केजरीवाल दोनों की है। तो आप खट्टर दिल्ली में है या हरियाणा में है? दिल्ली में। तो केजरीवाल की क्या गलती है? तो केजरीवाल जी ने जैसे ये हमारी GPS वगैरह है, ये तो नहीं कंडराते हैं भाई केजरीवाल के अंदर? केजरीवाल हमारा मुद्दा। फिर मोदी जी का क्या नाम ले रहे हो? मोदी जी का किसने नाम लिया? मोदी जी का क्या नाम लिया मैंने? मोदी जी की कोई गलती नहीं है ना? नहीं, गलती है। कैसे मोदी जी की गलती है? उन्होंने, सुनो मेरी बात, नितिन गडकरी ने कानून बना रखा है। मोदी जी की एक गलती बताओ। किसकी? मोदी जी की। मोदी जी की बात मत गाओ। नितिन गडकरी जी जो हमारे परिवहन मंत्री हैं, उन्हें तो कहेंगे। परिवहन मंत्री, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि केजरीवाल की गलती हो सकती है, मोदी जी की गलती तो नहीं है ना? तो सुनो, मोदी जी की गलती हम तो नितिन गडकरी जी को, परिवहन मंत्री को तो कह सकते हैं ना, उनको तो कहेंगे परिवहन मंत्री जो हमारी। तो मोदी जी का मंत्री हुआ उसकी, मोदी जी आज तक कोई गलत काम किया? मोदी जी का मंत्री हुआ क्या हुआ? नितिन गडकरी कह सकते क्या? हम वो मर्जी है, कुछ भी करो, हम कुछ नहीं बोल सकते। अरे शेर है, देश का नाम दुनिया में रोशन हो रहा है मोदी जी की वजह से। जो किसने बनाया? हम लोगों ने। तो मोदी ने बनाया, मोदी जी के खिलाफ, मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन कर, सिर्फ मुसलमान प्रदर्शन करता है, हिंदू नहीं करता। मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन नहीं कर रहे हम, सुनो मेरी बात, एक मिनट। आप तो ऐसे लग रहे हो उनकी बात लेकर आए हो हमारे पास। इनकी बात जो आप उनको एक साथ बोल रहे हो, एक तरफा बोल रहे हो? मोदी जी की क्या गलती है बताइए? आप एक तरफा बोल रहे हो, आप पूछो, आपके चाहते हो अब पूछ लिया। ये कह रहे हैं कि CNG का दाम बढ़ गया, चलान कट रहा है। मैंने पूछा केजरीवाल की गलती थी, करे कि नहीं नितिन गडकरी की भी गलती है? उसकी गलती क्यों नहीं है? उसकी गलती क्यों नहीं है बताइए ना, क्या गलती है आपको नहीं पता? तो लग रहे गलती, अगर आप रेड लाइट पे खड़े हो गए, आप एक बात समझ लो, एग्जांपल दे रहा हूँ, रेड लाइट पे खड़ा होने के, एक मिनट कौन बैठे? सरकार तो बीजेपी है। मोदी जी तो, मोदी जी दुनिया के बेस्ट प्रधानमंत्री। पूछ रहा हूँ, अगर आप रेड लाइट पे, सुनो अगर आप रेड लाइट पे खड़े हो, कितने का चलाना है? 10,000 रुपए। नाम बता दीजिए आप। आशुतोष बोल रहा हूँ। आपकी लैंग्वेज भी अच्छी नहीं है। क्यों? मोदी जी के साथ, हम मोदी जी के समर्थक हैं, हम वोट भी देते हैं। आपने एक बारी में सुनो मोदी जी की गलती बताओ भाई अगर आप रेड लाइट पे खड़े हो, रेड लाइट जम करते हो, दूसरा का चलाना है आपका, ठीक है जी? अगर पीछे आपका एम्बुलेंस आ गई,
आपको गाड़ी हटानी पड़ेगी, नीट आओगे तो 5,000 का चलाना है, आगे गए तो 10,000 का कैमरे का चलाना जाएगा, कौन सा भरोगे 10 का 5 का, आपकी गलती क्या है? मैं पूछ रहा हूँ ये किसने बनाया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। आप लोग मोदी जी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हो, गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट के खिलाफ, गवर्नमेंट, गवर्नमेंट तो मोदी जी सरकार है ना, गवर्नमेंट कौन है, सरकार का मुखिया कौन है, हमें मारोगे? एक मिनट, गवर्नमेंट के खिलाफ बताइए ना, गवर्नमेंट जो भी नितिन गडकरी, पीएम मोदी, सरकार का मुखिया कौन है? मोदी जी हैं। तो किसको बोलेंगे? तो मोदी जी कोई गलत काम नहीं करते हैं। मोदी को हमने क्या गलत काम करते हैं? मानने वाला हमें, मानने वाला वो है नितिन गडकरी जी, कुर्सी सुनिए सुनिए, टीवी अखबार, आप लोग टीवी अखबार, हम क्या बुलवा, टीवी अखबार देखते हैं कि नहीं? मोदी जी का एक गलती पे, प्लीज प्लीज जवाब दे, किसका बढ़िया? हाँ जी, ये हमारे स्पोक पर्सन है, मोदी जी की गलती है या केजरीवाल की गलती है? गलती ना मोदी की ना केजरीवाल की, कुछ ऐसे कठपुतलियां जो बैठी है ना, जो खराब नीतियां बना रही हैं। कौन बना रही है? गलती है मोदी जी के, बगैर इशारे के पत्ता नहीं हिल सकता है, ये आप सोच रहे हो? रुको यार, एक मिनट एक मिनट, उनका काम है वो कर रहे हैं, हम अपना काम करेंगे यार, क्या बात है? ये जो ट्रैफिक को लेकर जो नया चलान जो आया है, ई चलान और नए कानून आए हैं, इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसको ट्रैफिक के लिए जिम्मेदार मानते हैं हम प्रत्येक, जो भी जिस भी राज्य में जो भी सरकार है, चाहे वो मोदी की गवर्नमेंट है, केजरीवाल की है, सपा बसपा कोई भी हो, ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक रूल के में अमेंडमेंट केंद्र ने लाया है, आप मेरे मुंह में शब्द मत डालो, आप सवाल करो मैं जवाब दूंगा। मैं तो सवाल ही कर रहा हूँ भैया, किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं हम? खराब नीतियों के खराब प्रदर्शन कर, किसने बनाई है खराब जो नीतियां बनाई है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने और राज्य सरकारों ने मिलकर ही बनती है। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन चला रही है? अकेले आप बना लोगे? आप अपने घर में अकेले सब्जी भी नहीं बना सकते, बच्चे बताएंगे कि क्या बनेगी? तो किसके खिलाफ आप प्रदर्शन, किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं? किसके खिलाफ? खराब नीतियों के खिलाफ। तो बनाया किसने है? ये बता तो रहा हूँ, जो सरकार के नुमाइंदे उन्होंने बनाया है। क्या नाम हुआ किसका? आपका? मेरा नाम गोविंद शौकीन है। गोविंद शौकीन है। मैं आपको बताऊंगा, मुद्दे पर मैं आऊंगा, पहले मैं लोगों से राय ले रहा हूँ। और कौन बता रहे, बेकार पत्रकार है उनको लाइए, चाचा है। क्या नाम है आपका? श्रेया कुमार। श्रेया, ये जो जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप लोग मतलब कार, गाड़ी मालिक है, ऑनर है, ट्रांसपोर्ट ऑनर है ना? सर मैं गाड़ी मालिक नहीं हूँ सर। और बोलिए आगे। तो क्यों प्रदर्शन कर रही है? अरे क्यों, घर का जो नींबू है 360 रुपए किलो सर, ये जो गाड़ी वाले ये मान ही नहीं रहे सर, ये ट्रांसपोर्ट वाले मान ही नहीं रहे, इनकी जो नहीं, एक बात करने दो मुझे, मेरे पास जो गाड़ी है ना सर, मेरे पास जो गाड़ी है, मेरी स्कूटी है सर, मेरी भी स्कूटी है, यहाँ पे रुकने वाला शायद आप ही ट्रांसपोर्टर है, आपको पता नहीं है सर, हम सभी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है कहीं ना कहीं। टूल टैक्स बढ़ा दिया 10-15%, हर महीने टायरों के रेट बढ़ रहे हैं, डीजल के रेट बढ़ रहे हैं, और टूलों पे मनमानी हो रही है, जो भी है कोई ट्रांसपोर्टर बिल्कुल, कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेवार है? सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेवार है। दो लाइन बोलूंगी, सखी सैया तो बहुत ही कम आते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं, किससे कौन कम कर सकता है? कौन काम बताइए, मैं बताती हूँ, जब से केंद्र सरकार आई है कितने आंदोलन खड़े हो गए, इससे पहले कितने आंदोलन खड़े हुए थे? तो आप कांग्रेस से तो नहीं है? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि आप कहीं बीजेपी से तो नहीं है सर, सवालों के जवाब। पत्रकार बीजेपी का आदमी है? यस सर, बिकी भी मीडिया है। कौन सी मीडिया? मीडिया बीजेपी का आदमी है? आप मुझे डाल रहे हो, हम मीडिया तो आजकल बिकी हुई है। कैसे बिकी हुई है सर, आप आंदोलन में कौन सी मीडिया आई थी आज के बाद? बीजेपी का मान ले, मीडिया नहीं है, कोई चैनल वाला है? हाँ, यहाँ इतने आंदोलन हो रहे हैं, कोई राष्ट्रीय चैनल है यहाँ? इतने आंदोलन हो रहे, बताओ, सब गायब है, बता सकते आप लोग का प्रदर्शन खराब गलत हो? चलो हमारा गलत है, ये जो बैठे हैं सर, मेरी बात सुनिए, हम शांति से बात करते हैं ना, जिस दिन चक्का काम करेंगे ना, कोई मत को भी पता चलेगा, ये हरियाणा से प्रधान नहीं मानने वाले, इनके आगे कोई सिस्टम ना चले। तो आप बहन जी बहुत गंभीर आरोप लगा रही है, आप मीडिया वाला सब मोदी का आदमी है? बिल्कुल है, आदमी क्या, पूरी मीडिया भी की हुई है, आदमी क्या 100% पूरी मीडिया भी की हुई है। हाँ, केजरीवाल के हो? केजरीवाल फसा 100%, 100% हो आप? मैं क्या कह रहा हूँ,
पैसा है मेरे भाई, हम अपने पेट के लिए लड़ दो महीने के लिए अपने एक मिनट के लिए भाई सर आपके पेट आपके लिए। अरे ताऊ मैं पूछ रहा हूँ पेट पर लात कौन मार रहा है, मुझे उसका नाम बताइए। इंडिया गवर्नमेंट केजरीवाल मार रहा है ना? केजरीवाल नहीं मार रहा, इंडिया गवर्नमेंट नहीं, केजरीवाल भी बराबर मार रहा है। किसने बोल दिया? मैं दिल्ली लेवल से बात कर रहा हूँ, दिल्ली में कौन केजरीवाल मार रहा है? केजरीवाल एक मार रहा है, वही तो पूछ रहा हूँ भाई, आप ही बताओगे ना कौन लात मार रहा है? ले रहा है एक गाड़ी इंडस्ट्री, एक गाड़ी मालिक, एक जो मैं कह रहा हूँ छोटे छोटा वाहन तोता चलाता है ना, वो भी इतना टैक्स देता है जितना आप और आपकी मिसिज भी अगर कमाती होंगी मिलकर के दो साल में देते हैं, हम दो महीने में देते हैं। कितना टैक्स देते हैं? हर चीज में पे लेता है एनजीटी टैक्स 3200 रुपए प्रदूषण के लिए, एक गाड़ी के लिए 1600 रुपए टूल टैक्स लेता है। अरे तो शेर सुनो सुनो, एक छोटा रिचार्ज है एक बड़ा रिचार्ज है, शेर पाले हो तो कुछ तो गाड़ी का लेता है, हम ट्रांसपोर्टर हैं। ये खर्चा शेर का नहीं है, अगर ये खर्चा शेर का होता हम भुगत लेते, लेकिन दिल्ली वालों ने कुत्ता पाल रखा है उसका ये खर्चा। दिल्ली में घुसने का चेक ले लिया जा रहा है, क्यों लिया जा रहा है? कौन ले रहा है? सरकार ले रही है, दिल्ली सरकार ले रही है, कौन ले रहा है? 25 घुसने का, घुसने का बॉर्डर पर हर दिल्ली में घुसने का। सर एक बात बताइए ना, नींबू कितने रुपए किलो है? नींबू मैं नींबू नहीं खाता हूँ। क्यों नहीं खाएंगे आप? लिमका देंगे, खाएंगे, पिएंगे। महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है, महंगाई नहीं है। ट्रांसपोर्ट के बारे में कह रहे हैं, बिल्कुल सब कुछ महंगा है, टोल टैक्स भी 10-15% अभी बढ़ा दिया, कहाँ महंगा हो गया? क्या बात कर रहे हो, हम देते हैं आप थोड़े देते हैं? नहीं नहीं, एक चक्कर में महंगाई बिल्कुल नहीं है, एक चक्कर में आप कह नहीं है। मैं इसके लिए महंगाई क्यों होगी? इतना ही होए कौन है भाई साहब? आप ये बताइए आपके पास कितनी गाड़ी है? कितनी गाड़ी है आपके पास? मेरे पास नहीं, एक कार है ना, तो कार का आपका लगेगा नहीं, आप एक ट्रक लेके देखिए और उसको बिहार भेज दीजिए, उसको बिहार भेजना। पेट्रोल की है, 17,000 डीजल के पेट्रोल की, पेट्रोल की है। एक बार डीजल की ले ले, 10 साल के बाद तेरे बच्चा देखने पूछा यहाँ बेटा दोबारा कार में बैठेगा? शाबाश, इतने महंगे ले ले। 17,000 रुपए एक ट्रिप का टोल टैक्स है, 17,000 रुपए आप देखिए। तो एक सुनिए सीरियसली, एक एक करके बोलिए, क्या आपके जीवन पर असर पड़ रहा है इस महंगाई? बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है, हम तो खाना भी नहीं खा सकते, ये हाल आज की डेट। एक सवाल ईमानदारी से बताइएगा, 30 लाख रुपए की चाचा के पास जाना है, सुने ना सब, मुझे गुस्सा आदमी पसंद है, आप गुस्सा कीजिए, बिल्कुल सवाल करना चाहिए, मुझे बताइए बस एक ही सवाल की, जो आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये जो चाहे दिल्ली के दिल्ली वाले हों चाहे रेस्ट ऑफ इंडिया के हों, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? मीडिया, सरकार? दिल्ली गवर्नमेंट भी जिम्मेवार है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिम्मेवार है, दोनों जिम्मेवार, मीडिया भी जिम्मेदार है भाई साहब। अगर या कैसे मीडिया जिम्मेदारी से लेकर लाइव नहीं देखा होगा पब्लिक को, जागरूक टीवी वाला नहीं आया है, कोई टीवी वाला आज तक एबीपी नहीं आया, मीडिया कोई नहीं आया, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, हर हर मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, घर घर भी हमारे माने हैं, वो ठीक है अपनी जगह ठीक है। अब केजरीवाल एक आदमी है, आइए अब आप आइए, आप नहीं आप दोनों लोग आइए, हाथ मत लगा, दोनों दोनों लोग आइए। अब मैं बता रहा हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नहीं नहीं अब मैं जंतर मंतर पर, सोचिए देश की क्या हालत हो गई है, टीवी और अखबार ने लोगों के दिमाग में किस तरह से जहर भर दिया है, दिल्ली की सरकार है, केजरीवाल की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, दोनों की पॉलिसी की वजह से आम आदमी परेशान है, लेकिन जनता को इस तरह से बांट दिया गया है, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, किसी चैनल अखबार ने इसको कवर नहीं किया है, हम लोग सोशल मीडिया वाले हैं, हम लोग आ रहे हैं, जनता के दिमाग में बैठा हुआ है, या तो पत्रकार मोदी के साथ है या मोदी के खिलाफ है, कोई न्यूट्रल होकर बात नहीं कर रहा, मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ। सोचिए अगर ये लोग मुसलमान होते तो इनको खारिज कर दिया जाता, कि अरे मुसलमान है प्रदर्शन कर रहा है, ये सब कट्टर ब्राह्मण है, ये ब्राह्मण है ना, आप क्या है, गुप्ता जी हैं, छत्री है, मेहता है, है? मेहता है, मेहता। अब बताइए कि ये जो पॉलिसियाँ बनी अभी नई जो पॉलिसी आई थी परिवहन मंत्रालय का, इससे क्या नुकसान हो रहा है? आपने हमारा बैनर पढ़ा क्या? आपको सब जवाब मिल जाएंगे, जो हमारा बैनर लगा हुआ था वो पढ़ा, डिमांड बता दीजिए ना, बता दीजिए। अरे मैं बार बार मेरे से पूछोगे फिर इनसे पूछोगे, जो जो आप ही बताएं, अगर पॉलिसियां, एक मिनट सुनो, अगर पॉलिसियां गलत बनी थी तभी जो लोग रोके यहाँ खड़े हैं, तो क्या क्या पॉलिसी लग रहा है? टोल टैक्स जुर्माने 10 गुना कर दिए गए ट्रैफिक के, उससे रिश्वतखोरी बढ़ गई, सरकार कह रही कि लोग एक्सीडेंट ज्यादा करते थे, ट्रैफिक रूल नहीं मानते थे, इसलिए हमने पॉलिसी बनाई, ऐसा कुछ नहीं है, उससे कुछ नहीं पड़ता, ठीक है।
तो ये केंद्र सरकार ने जो नया ट्रैफिक पॉलिसी बनाई है, जुर्माना बढ़ा है, टोल टैक्स बढ़ रहा है, चलान टैक्स बढ़ा दिया और फ्री 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 कर रहे हो, ये अपनी पार्टी अपने फंड से दे रही है फ्री किसी को, क्या हमारा लूट के हमें लूटते हो और हमें लोग फ्री बांट देते हो, हमें लूट रहे हो, क्यों फ्री बांट रहे हो? पार्टियां अपने एक चाचा, लास्ट में लुटेरा का नाम बताइए, कौन है लुटेरा? जो भी सरकार में वो लुटेरा है, मैं नाम क्यों लूं किसी का? केजरीवाल भी लुटेरा डर लग रहा है, ये डर लग रहा है, हमने ये नौकर है हमारे, ये डर लग रहा है, कैसे लग रहा है? ये केजरीवाल ने पंगा डाला फ्री बांटने का, बिजली फ्री, पानी फ्री, बाद में तुम्हारी जेब काटता है और ढंग से। तो मोदी जी भी 80 करोड़ लोग को अनाज दे रहे हैं, तो मोदी के ऊपर से गिरी आ गया। जब एक पॉलिसी कामयाब हो गई किसी आदमी की फ्री बांटने वाली, तो मोदी जी भी शुरू हो गए और योगी जी भी शुरू हो जाएंगे। ये चीजें तो फ्री केजरीवाल शुरू किए हैं, देखो एक पर एक फ्री, एक बोतल पे एक बोरी, केजरीवाल जी फ्री करते हैं, क्यों करते हैं भाई, क्यों करते हैं? लेकिन एक बात आइए, आप ईमानदारी से सुनिए, ये जो केंद्र जो ट्रैफिक रूल है, जो चलान है, ये तो इसका 60% जाता है राज्य सरकार को, 40% जाता है केंद्र को, जो चलान कटता है। तो वो दोनों किसने बनाए, लागू किसने किए कानून? गडकरी साहब ने, गडकरी साहब ने किए, तो हम उसी को लिए कह रहे हैं। आप गडकरी साहब के खिलाफ बोल लेंगे? बोल रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ बोल लेंगे? देखो, अरे यार मोदी खिलाफ नहीं, मोदी खिलाफ नहीं, वो अलग अलग गडकरी का परिवार। एक मिनट, आपको मोदी से क्या एलर्जी है? मुझसे? हाँ। मुझे मोदी से एलर्जी नहीं है। मोदी मोदी मोदी, इतना नाम भगवान का लो ना, तो तुम्हारा भला हो जाए। बारे मोदी को क्या एलर्जी है? अरे मोदी को कौन बुरा बोल रहा है? हमने मोदी के बारे को बात नहीं की किसी से, हमने परिवार तो कही है, मोदी अच्छे प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, हाँ, है, जो भी है सब बहुत बढ़िया है। चलान एक होता है नॉन एंट्री का, और जुर्माने दो भुगते जाते हैं मालिक का, ड्राइवर का। क्यों नॉन एंट्री का टाइम किस लिए बढ़ाया गया है? 5 बजे से रात के 11 बजे तक आपको? मैं बता रहा हूँ, मैं नोटबंदी का कवरेज कर रहा था, मैं करोल बाग जाता था, जो व्यापारी थे उनसे बात करता था, कहते थे कैमरा ऑफ करो, और तब वो बताते थे कि भैया बिजनेस की बुरा हालत है। चलान आपका होता, रुकिए ना भाई, उसके हाँ उसके बाद जी पूरी रोकी होगी ना, आप कार्ड निकाल दोगे अपना। रुकिए चाचा, बोलने तो दीजिए पूरी बात। नोटबंदी आई, मैं भी रिपोर्टिंग कर रहा था, मैं लोगों के पास जाता था, व्यापारियों के, छोटे छोटे व्यापारियों से मैंने पूछा भैया क्या हाल है? अरे मोदी जी किए हैं तो अच्छे किए हैं, केजरीवाल भी उसी लिस्ट में, ये छोटा रिचार्ज है, वो बड़े रिचार्ज हैं। उसके बाद नोटबंदी आई, उसके बाद फिर GST आया, मैंने उनसे भी पूछा लोगों को कि भैया कैसा चल रहा है, कहते थे कैमरा ऑफ करो तब बताऊंगा। अब सर से पानी ऊपर बह गया है, नींबू 300 रुपये किलो है, जो नया जो ट्रैफिक रूल्स बने हैं उसमें इतना ज़्यादा जुर्माना है कि मेरे ऊपर 60,000 का जुर्माना है, और वही कोरोना काल में जो ट्रैफिक जाम चलान थे, हाई स्पीड का 2000 है। अच्छा, ये रेड लाइट जंप करने का कितना है? 1000 ना, 10000, मैं तो पार ही नहीं करता। 10000 रुपए चलान है, 3 महीने के लिए लाइसेंस सस्पेंड, रेड लाइट जंप करने। हाँ जी। अच्छा, तो रेड लाइट जंप करने पर 10000 का जुर्माना है, 3000 का। नतीजा ये है, आज भी मैं बता रहा हूँ, ये सब के सब हिंदू समाज से हैं, धर्म खतरे में, रोज TV अखबार डिबेट कर रहा है हिंदू मुस्लिम का, जंतर मंतर पर जो बेसिक समस्याएं हैं, जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो आए हुए हैं, लेकिन उनसे कोई बात TV अखबार वाला करने के लिए तैयार नहीं है। और एक और भी डंबना है कि जो जनता है वो भी नहीं तय कर पा रही है कि हम सरकार से क्या मांग कर रहे हैं, मोदी जी के खिलाफ कोई बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। फिलहाल मोदी जी के लिए समर्थन बना हुआ है धर्म की वजह से, जो भी हिंदू हैं वो मुश्किल में है, तकलीफ में है। रुके ना भाई, जो भी हिंदू हैं वो तकलीफ में है, ट्रांसपोर्टर तकलीफ, इस देश में 90% जो व्यापारी हैं, जो संसाधन पर कब्जा है, वो हिंदुओं का है, सारे लोग तकलीफ में हैं, महंगाई बढ़ गई है, टैक्स बढ़ रहा है, हाईवे पर जो टोल टैक्स है वो बढ़ गया है, ये सब जानते हैं कि केंद्र सरकार फैसले कर रही है, लेकिन अभी भी मोदी जी के लिए लोगों के मन में सम्मान और समर्थन है। लेकिन महंगाई एक बड़ी हकीकत है, जब तक ये सारी बहस TV और अखबार पर नहीं होगी, फिलहाल जनता को कोई समाधान नहीं मिलता है। लेकिन एक जो बड़ा, सबसे बड़ी जो दुखद बात है कि TV और अखबार के प्रति लोगों की धारणा बन गई है कि या तो वो मोदी के साथ है या मोदी के खिलाफ है, जबकि होना चाहिए था कि TV अखबार वालों को जनता के साथ होना चाहिए था। मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि क्या इतनी महंगाई के बाद अर्थव्यवस्था चौपट है, देश में महंगाई है, इनरोचमेंट हो रहा है, रोज़ दंगे फसाद हो रहे हैं, उसके बाद भी जो हिंदू समाज के लोग हैं वो BJP से सहमत हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए।
कैमरामैन निधि के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, जंतर मंतर, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।